हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे आईटी हब के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट बनना है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वहीं यमुना सिटी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा आईटी हब। आईटी हब से कुछ ही दूरी पर आपको एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर हमारा एक लग्जरी प्रोजेक्ट देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम आईटी हब के बारे में बात करते हैं। आसपास का क्षेत्र तेजी से एक आईटी हब के रूप में विकसित हो रहा है। इस क्षेत्र में प्रमुख आईटी कंपनियां, दूरसंचार उपकरण कंपनी और डेटा सेंटर लगातार निवेश कर रहे हैं। HCL, टेक महिंद्रा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां पहले से ही इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। इस क्षेत्र को एक संभावित तकनीकी केंद्र माना जा रहा है, जो गुड़गांव और बेंगलुरु जैसे शहरों को भी टक्कर दे सकता है। ये क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे में उभरता आईटी हब गुड़गांव और बेंगलुरु को तकनीकी वर्चस्व को भी चुनौती दे रहा है। उत्तर प्रदेश में जेवर के पास निर्माणाधीन नोएडा हवाई अड्डे के आसपास का क्षेत्र प्रमुख आईटी कंपनियां, दूर संचार उपकरण और दिग्गजों, डेटा केंद्रों से निवेश आकर्षित कर रहा है। इस क्षेत्र को एक संभावित तकनीकी केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। आईटी हब देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के हब के रूप में अभी तक दक्षिणी भारत को ही माना जाता था, लेकिन आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का नोएडा, गौतम बुद्ध नगर देश के बड़े आईटी हब के रूप में शुमार किया जाएगा। दरअसल यहां बड़ी संख्या में MNC यानी के बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अब तक कई कंपनियों को जमीन अलॉट हो चुकी है, वहीं दूसरे देशों की कंपनियां भी आगे आ रही हैं। आईटी हब नोएडा बनेगा आईटी हब। मल्टीनेशनल कंपनियां खरीद रही जमीन, 30 बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं यहाँ पर। आईटी हब आखिर होता क्या है, इसका मतलब जानते हैं। ये एक केंद्रीकृत मंच होता है जहाँ सूचना प्रौद्योगिकरण सेवा देने वाले और संभावित ग्राहक मिलते हैं और बातचीत करते हैं। ये सेवा देने वाले और ग्राहकों के लिए एक वन स्टॉप शॉप की तरह काम करता है। यह डेटा संचालित यानी कि बिजनेस को डिजिटल क्षमता अपनाने में मदद करता है। इसमें कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की मदद से डेटा को सुरक्षित स्टॉक ट्रांसफर व प्रोसेस किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां आईटी सर्विस के तौर पर यहां कार्य करती हैं, जो कई बड़े बिजनेस के डाटा को मैनेज करती हैं। एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे भारत में TCS यानी के टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एक बड़ी आईटी सर्विस कंपनी है। कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ी हर चीज़, जैसे कि नेटवर्किंग, डाटा मैनेजमेंट, इंटरनेट, सभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरल भाषा में आज हम इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करते हैं। डिजिटल फॉर्म में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जानकारी जाती है। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, डेटा सेंटर जैसे ज़रूरी संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि आज हम जो भी डिजिटल डिवाइस इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, वे सभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राप्त करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, वह सभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आती है। इसे इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं। और इसी से कुछ दूरी पर आपको एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर हमारा एक लग्जरी प्रोजेक्ट देखने के लिए मिलेगा। और इतनी सारी चीज़ें होने के बाद इस बात में कोई भी डाउट नहीं है, अगर आप यमुना सिटी के आसपास इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल इस्टेट में, तो ये आपके लिए एक गोल्डन सुनहरा मौका है। थैंक यू दोस्तों।